सन 1824 वो समय जब उत्तराखंड राज्य में चाय पीने की परंपरा शुरू हुई। जब उत्तराखंड के लोग पहली बार इस गर्म पेय पदार्थ को पी रहे थे तो उन्हें इसका स्वाद काफी पसंद आया और यहीं से शुरू हुआ उत्तराखंड में प्रारंभिक चाय का सफर। ये पहचान है उत्तराखंड की, जिसने पहाड़ी जिंदगी को बांधकर हमें आज भी अतीत की उन गहराइयों से जोड़कर रखा है, जहां पहले की चली परंपरा आज भी अपने वर्तमान समय में कायम है। हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में बनने वाली उस चाय की, जिसे पीने के लिए पर्यटकों का एक झुंड सा लगा रहता है। इसी गर्म पेय पदार्थ की शुरुआत अंग्रेजों ने ही उत्तराखंड पर की थी, जब इसका उल्लेख बिशप हेबर ने सन 1824 में अपनी किताब में दिया था। वैसे तो चाय का प्रथम प्रमाण 2737 साल पहले चीन के सम्राट सैन नुंग को जाता है, जब उनके गर्म पानी के प्याले में पत्तियां आकर गिरी, जिसे पीकर उन्हें इसका स्वाद काफी पसंद आया था। मगर हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की कि आखिर कैसे यहाँ चाय की खेती शुरू हुई और कैसे आज उत्तराखंड 80 से 100 हजार किलोग्राम चाय का उत्पादन करता है। चलिए चलते हैं अतीत के पन्नों पर और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड टी के बारे में। लेकिन अगर आप नैनीताल मीनिया यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। चाय का उत्पादन अंग्रेजों को उत्तराखंड में इसलिए पसंद आया क्योंकि उत्तराखंड की जलवायु असम और हिमाचल प्रदेश के समरूप थी। जब सन 1815 के अंग्रेजी शासनकाल में कुछ अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया, जहां उन्होंने देखा कि स्थानीय कबीले के लोग इसे एक पेय पदार्थ बनाकर पीते थे, जो उनके थकान और अनिद्रा में काफी मदद करती थी। तब उन्होंने इसकी खबर भारत के गवर्नर लॉर्ड बेटिक को दी और सन 1834 के समय अंतराल पर लगभग सभी जगह भारत में चाय पीने की परंपरा शुरू की जा चुकी थी। भारत का असम राज्य ही ऐसा था जिसने चाय शब्द को संपूर्ण देश तक पहुंचाया। साल 1835 के समय असम से लगभग 2000 चाय के पौधे कलकत्ता भेजे गए और कलकत्ता से फिर उत्तराखंड भेजे गए और धीरे धीरे इसकी खेती बड़े क्षेत्रों में स्टार्ट होने लगी। 3 साल बाद यानी सन 1838 में उत्तराखंड की जलवायु में उगी इन चायों को कलकत्ता टेस्ट के लिए भेजा गया और यह असम के भांति सभी मानकों पर उत्तम पाई गई। और इसके बाद धीरे धीरे देहरादून, कौसानी, घोड़ाखाल, रुद्रप्रयाग, गैरसे समेत अन्य स्थानों पर चाय की खेती शुरू होने लगी। और सन 2000 के समय जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तब 2003 के समय चाय विकास बोर्ड अस्तित्व में आया, जिससे चाय का उत्पादन उत्तराखंड में और ज्यादा हुआ। और आज वर्तमान समय में नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, इन सभी जगहों में चाय का उत्पादन सुचारू रूप से किया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड में चाय पीना एक प्योर पहाड़ी की निशानी होती है। यहाँ की ठंडी जलवायु आपको गर्म पेय पीने को मजबूर कर देती है, जिस वजह से चाय उत्तराखंड का सबसे ज्यादा पिए जाने वाला एक पेय पदार्थ है। यदि आप भी चाय पीने की शौकीन हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही उत्तराखंड की महान गाथाओं को जानने के लिए आप नैनीताल मीनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।